हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भारतीय बैंक द्वारा जारी विज्ञप्ति को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट आई हुई है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जिसमें क्रेडिट अकाउंट, अकाउंट, रिस्क मैनेजमेंट, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए है, मैनेजर, चीफ मैनेजर, डेटा एनालिस्ट के लिए, सेक्टर स्पेशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस तरह से करके वेरियस वैकेंसी आई हुई है जो कि बैंक बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसके साथ ही साथ आप देखिए, मैनेजर डीलर के लिए फॉरेक्स किया हो, INR स्पॉट स्पॉट है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका पे स्केल देखिए, कहीं थर्ड है, कहीं सेकेंड है, कहीं वन है। तो हर फील्ड का मतलब हर लेवल के लिए आई हुई है, और इस पे स्केल अलग अलग है। वैकेंसी भी अच्छी खासी आई हुई है, कहीं 10 है तो कहीं 50 है, और हर कैटेगरी के लिए आई हुई है। तो आप इसको अपने हिसाब से, जिसमें आपका मैच करता हो, आप इसको देख लीजिए कि आप किसमें मैच करते हैं, और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी वैकेंसी आई हुई है, आप खुद देख सकते हैं। उसके बाद ये तो बीकॉम के स्टूडेंट के लिए हो गया। उसके साथ ही साथ आप देखिए, 31 से जो है आईटी सिस्टर, जो स्टूडेंट्स आईटी, बीटेक, बीटेक आईटी के थ्रू या एमबीए आईटी वगैरह किए कर रखे हो, उनके लिए भी ये वैकेंसी आ रखी है, जिनको पे स्केल 2 का दिया जाएगा। और हर वैकेंसी जो है इसकी थोड़ा स्पेशलाइज है, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो जैसे कि देखिए, इसमें अगर विंडो की बात करते हैं तो EWS कोटे के लिए है, सिस्टम मैनेजर की बात करते हैं तो V-Linux 1 EWS कोटे के लिए। तो इस तरह से करके कई अलग अलग कोटे हैं जिसके अंतर्गत आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, API डेवलपर, डिजाइनर, डेवलपर, ये इस तरह से करके IT वाले सेक्टर के बच्चों के लिए है, ठीक है, जो कि बैंक में काम करेंगे। तो आप देख लीजिए, एक एक पोस्ट करके, एक एक दो दो तीन तीन पोस्ट आई हुई है। तो आप जो इसमें भी फिट आप बैठते हैं, आप अपने हिसाब से इसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 312 पोस्ट आई हुई है, जिसमें SC के लिए 45, ST के लिए 31, OBC की 679, EWS की 29, और अनरिजर्व जो है 128 है। इसके साथ ही साथ जो PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी अलग अलग से पोस्ट निकाली हुई है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, आगे आप देख सकते हैं कि ये इसका पे स्केल है। स्केल 1 की अगर कोई जॉब है तो उसमें जो सैलरी है 63840 की है। स्केल 2 के लिए सैलरी जो है 61 69810 के लिए, मतलब एक बहुत अच्छी पे स्केल दे रहे हैं। तो हर स्केल के लिए अलग अलग पे है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ये बात करते हैं कि कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, हर पोस्ट के लिए हर दे रखा है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि यदि आप सीनियर मैनेजर क्रेडिट की बात करते हैं, तो मिनिमम एज जो है 25 और मैक्सिमम 38 मांगा हुआ है। साथ ही साथ 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, ठीक है। मैनेजर क्रेडिट है तो उसका 3 ईयर्स का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें एज 35 ही, मैक्सिमम 35 दिया है। फिर सीनियर मैनेजर के लिए भी 5 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस तरह से करके हर पोस्ट के लिए अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस है, उनके लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिए कि ये क्या क्या चीजें हैं। मैं एक एक करके वन बाय वन दिखा भी दे रही हूँ, ये पोस्ट आई हुई है, ताकि आपको सुविधा रहे देखने में। टोटल 60 पोस्ट है, 60 पोस्ट के अकॉर्डिंग बताया कि 30 के करीब बैंक से रिलेटेड पोस्ट हैं बीकॉम वालों के लिए, और 30 पोस्ट जो है आपके। और हाँ, ये भी देख लीजिए, जैसे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि मान लेते हैं मैनेजर सिक्योरिटी में है, तो सर्टिफिकेशन और कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम मिनिमम 3 मंथ्स, ऐसे ऐसे करके हैं, AND सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट, ये इस तरह से करके सारे अलग अलग कोर्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर हम मैनेजर लेवल की बात करते हैं, अगर आप CA हो या ICWA है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देख लीजिए, ये 6 तक तो CA CS मांगा हुआ है, ठीक है, CA CS चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला है, ठीक है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, NFRM, NGARM, इस तरह से करके मांगा हुआ है। तो आप हर का आप क्वालिफिकेशन भी देखते जाइए। उसके बाद नंबर आता है कि जो पोस्ट कोड 31 से 60 तक था, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। जैसे यदि आप मैनेजर IT की बात करते हैं, तो कहता है कि आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इन सब चीज़ों पे आपने काम किया हो। साथ ही साथ जो है सर्टिफिकेशन कोर्स हो आपका MCS का, एक्सपीरियंस के साथ साथ पोस्ट कम्प्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट भी 6 मंथ्स का। तो इस तरह से करके सबके लिए ही अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एज फैक्टर है, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख के अप्लाई कर सकते हैं। और मैनेजर IT वर्चुअलाइजेशन, इस तरह से करके 60 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देखिए, और आपको जो भी लगता है आप इसके योग्य हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन भी दे रखा है कि यदि आप किसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद
जो है हम देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो आप देखिए इसमें जो है एग्जाम की, हाँ, मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर देखना देखेगा। तो देखिए वैसे तो ये लोग प्रीफर करेंगे कि इंटरव्यू डायरेक्ट कराया जाए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होंगे तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे, जैसे कि एक पोस्ट है, एक पोस्ट पर उन्हें 5 लोग को बुलाना है, ठीक है, और 5 की बजाय क्या है 10 है, 15 है, 20 है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से जो है वो उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि उस पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेना है या एग्जाम लेना है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, इन्होंने एक बेसिक दे रखा है कि हम जो है अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो हम इस तरह से एग्जाम कराएंगे, जिसमें 60 मार्क्स जो होगा नॉलेज होगा, प्रोफेशनल नॉलेज, 20 मार्क्स होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होंगे, 20 मार्क्स होंगे आपका जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग द बैंकिंग होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा जो कि ऑनलाइन होगा। अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो उसका 1/4 निगेटिव मार्किंग भी होगा, ठीक है। और ये बता रखा है मैंने, जैसे कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी बुलाया जाएगा, अनरिजर्व है, रिजर्व है तो 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, और अब फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1 सीट पे 3 लोग को बुलाया जाएगा या 1 सीट पे 5 लोग को। इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और जो क्वालिफाई करने के लिए होगा कि कह रहा है कि 40% कम से कम जो है जनरल कैंडिडेट को पास करना होगा, और जो अनरिजर्व कैटेगरी होंगे या EWS कैटेगरी होंगे, लेकिन जो 35% जो होगा वो SC ST OBC कैंडिडेट को पाना होगा, ठीक है। और जो किस तरह से बेस सिलेक्शन होगा कि 80% जो होगा आपका जो आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया उसका, 20% मार्क्स जो होगा इंटरव्यू का लेके आपका सिलेक्शन का मेरिट तैयार किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ 175 रुपीज देना होगा, जिसके अंतर्गत SC ST PWBD कैंडिडेट आते हैं, ठीक है। यदि आप EWS OBC या जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 850 रुपीज का पेमेंट करना होगा, और जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 24 मई से 14 जून तक की है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है करने की जो डेट आप कहाँ से करेंगे, ये इसकी वेबसाइट है www.indianbank.in.com.in पे जाके आपको यहाँ से जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वेबसाइट पे, हमने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। तो वेबसाइट पे क्लिक करने पे ये इंडियन बैंक की मेन वेबसाइट है, इस पे हम यहाँ नीचे की ओर कैरियर का ऑप्शन है उस पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज, ये देखिए करंट ओपनिंग्स आ गई खुल के। तो ये देखिए जो ये फर्स्ट नंबर पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि क्लिक फॉर हियर रजिस्ट्रेशन डिटेल नोटिस, आपको डिटेल नोटिस जो मैंने अभी बताया वो चाहिए तो इस पे क्लिक करिए नीचे वाले पे, और यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पे क्लिक करिए। तो हमें पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। देखिए वेबसाइट का लिंक आ गया, ऑनलाइन लिंक, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत फर्स्ट नेम, कॉमन नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी वगैरह पूछ के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको फोटो लगाना, अपना सिग्नेचर लगाना है, डिटेल्स देना है, रिव्यू देखेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लॉगिन करके अपना फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह ऐड करनी होगी। तो ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन इसके लिए। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से बने रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।